दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है कि हम सभी को लोन लेना पड़ता है, चाहे वो होम लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, कार लोन, बाइक लोन, ऐसे काफ़ी सारे लोन समय लेने पड़ते हैं। लेकिन उस समय पर सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है आपका क्रेडिट स्कोर। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हम हमारे क्रेडिट स्कोर को कैसे इंक्रीज करेंगे और तुरंत कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही जल्द अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जिससे कि बैंक वालों को आपके ऊपर भरोसा होता है कि हाँ, ये बंदा सही है और इसको हम लोन दे सकते हैं। भारत में 4 क्रेडिट ब्यूरोज है जो RBI के द्वारा अप्रूव्ड है, जो आपको क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको रेटिंग देते हैं। एक है इक्विफैक्स, एक है एक्सपीरियन, एक है सिबिल और एक है हाईमार्क। अब आपको जो स्कोर दिया जाता है वो 300 से लेकर 900 के बीच होता है, और अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो उसको बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है। अब ऐसे में देखिए, आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? दो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि फाइनेंस के फील्ड में वो नए हैं, मतलब पहले कभी भी उन्होंने लोन नहीं लिया है और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एकदम जीरो है। दूसरे टाइप के लोग कौन है? जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उन्होंने पहले से लोन लिया हुआ होता है, लेकिन उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कोई भी लोन नहीं लिया है, तो अपने क्रेडिट हिस्ट्री को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए, उनके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प क्या है कि उनको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। दो अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही इजीली आपको नहीं मिल पाते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के लिए आपका इनकम प्रूफ भी चेक किया जाता है और आपका ITR रिटर्न भी चेक किया जाता है, जो बहुत लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स आपको बहुत ही इजीली नहीं मिल पाते हैं। आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। आप कैसे ले सकते हो? काफ़ी सारे ऐसे बैंक से जहाँ पे आप FD करवाने पर वो लोग क्या करते हैं, आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैंक वालों को आपके ऊपर भरोसा होता है कि हाँ, इसने जो है FD करवाया है, तो अगर ये सही समय पर रीपे नहीं करेगा तो हम FD अमाउंट से वो डिडक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो जो बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है। अब दूसरा मेथड है लोन एप्लीकेशंस। बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशंस होती है जो आपको छोटे छोटे अमाउंट का लोन प्रोवाइड करते हैं और वो आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहां से लोन ले सकते हो। हो सकता है वो 2000 रुपये का लोन हो, 5000 रुपये का लोन हो, वो लोन लेना, उसके बाद उसे रीपे कर देना। तो उसके बाद क्या होता है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री में ये शो हो जाता है। अब मैंने जब पहले पहले अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था, मैंने इसी मेथड की मदद से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू किया। मैंने लोन एप्लीकेशंस की मदद से छोटे छोटे अमाउंट का लोन लिया, उसके बाद उसे रीपे किया, तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री में वो शो हो गया। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अपने क्रेडिट स्कोर को वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुरंत बहुत ही जल्द अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए, 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर 1 पे है, वो है पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर पा रहे हो या फिर नहीं। नंबर 2 पे है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि आपको जितने की लिमिट मिली है आप उसका कितना परसेंटेज वो यूटिलाइज कर रहे हो। नंबर 3 पे है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री या फिर एज ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि कितने लंबे समय से आप लोन ले रहे हो और आप क्रेडिट ले रहे हो। नंबर 4 पे है न्यू अकाउंट्स, यानी कि आप कितना फ्रिक्वेंटली नए नए लोन ले रहे हो, उसके ऊपर भी आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड कर रहा है। नंबर 5 पे है टाइप ऑफ क्रेडिट, किस टाइप का क्रेडिट आप ले रहे हो, क्या वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है या फिर वो क्रेडिट कार्ड का कोई लोन है, तो टाइप ऑफ क्रेडिट के ऊपर भी आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है। अब मैं आप सभी को 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको कि अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो और 750 से ऊपर भी ला सकते हो। नंबर 1 पे है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जितने की लिमिट आपको मिली हुई है आप उसका 30% ही यूटिलाइज करें। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम लिमिट मिली हुई है 50,000 की, तो उसका 30% कितना होता है, 15,000 रुपये। तो आप मैक्सिमम 15,000 रुपये ही खर्च करना। आप मल्टीपल कार्ड्स अपने पास रख सकते हो, लेकिन एक कार्ड को 100% यूटिलाइज मत करना। मल्टीपल कार्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो याद रखना 30% क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आप हमेशा ड्यू डेट से पहले जो भी ड्यू अमाउंट होता है उसे हमेशा
फुल्ली रीपेमेंट कर देना। बहुत बार होता क्या है, वहां पर मिनिमम बैलेंस, मिनिमम ड्यू अमाउंट लिखा हुआ होता है, बहुत लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, फुल अमाउंट आपको पे करना है और जो ड्यू डेट होता है उससे पहले आपको पे करना है, तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट है, आप कभी भी अननेसेसरीली अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर तो नहीं घटता है, लेकिन जितनी बार आप नए नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसकी एंक्वायरी कर रहे हो, और एंक्वायरी करने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है किसी कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो उसके लिए आप अप्लाई मत करना। अब फोर्थ पॉइंट है, आप कभी भी अपने सबसे पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को क्लोज मत करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके पास सबसे पुराना वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं होते हैं, उसको वो क्लोज कर देते हैं। आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि सबसे पुराना वाला जो क्रेडिट कार्ड आपका होता है उसी से ही आपकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। बैंक वाले उसी को देखकर ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगाते हैं और आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं, अवॉइड यूजिंग बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस। बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, जैसे कि लेजी पे हो, स्लाइस कार्ड हो, यूनीपे कार्ड हो, अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो ये बेसिकली जो बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है ना, आप इनको तभी इस्तेमाल करना जब आपको इनकी ज़रूरत है, वरना ऐसे ही इस्तेमाल मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग है। क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट हिस्ट्री में चेक करना, एक ही बार वो क्रेडिट कार्ड एक्टिव लिखा हुआ होता है। बट ये जो बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस होती हैं, ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते हैं, ये बेसिकली क्रेडिट लाइन वाले कार्ड्स होते हैं। मतलब जब भी आप यहां से कुछ भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके नाम पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्रेडिट हिस्ट्री में शो हो जाता है। मान लो आपने महीने में स्लाइस कार्ड की मदद से या फिर यूनिपे कार्ड की मदद से ट्रांजेक्शन किए हैं, तो पांचों के पांचों बार वहां पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो हो जाता है। तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो याद रखना, अवॉइड यूजिंग बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस, आप इनका इस्तेमाल तभी करना जब आपको इनकी जरूरत है। अब इसी के साथ मैं आप सभी को ये भी रेकमेंड करूंगा, आप हमेशा मंथली या फिर दो महीने के बाद अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना। बिकॉज होता क्या है कि बहुत बार आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहती है, गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। बहुत बार जो लोन अमाउंट होता है या फिर गलत लोन वहां पे लिखा हुआ होता है, तो आप क्रेडिट ब्यूरो को वो रिपोर्ट कर सकते हो। हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को महीने में एक बार या फिर दो महीने में एक बार चेक करते रहना। तो फिलहाल यही पूरी कहानी रही क्रेडिट स्कोर के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से क्रेडिट स्कोर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, आपको पता चला है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।